स्टूडेंट, ये जुलाई 2017 का पेपर है और इसमें हम अभी सिंगल एंट्री देखेंगे. ओके, तो इसमें एक्चुअली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है वो 2 ईयर्स का दिया है. वन इज़ एट द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर एंड अनदर वन इज़ द एंड ऑफ दिस ईयर. ओके, सो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में 1 अप्रैल 2012 का एक सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर करेंगे और 31 मार्च 2013 का सेपरेट में करने का. तुम चाहिए तो ये दोनों को कंबाइन करके भी कर सकते हैं. मैं सेपरेट में पढ़ा देता हूँ. ओके स्टूडेंट, तो इसमें क्या क्या दिया है. अभी इन्वेस्टमेंट जो लास्ट ईयर में डैश दिया है, तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर या लास्ट ईयर के एंड में इन्वेस्टमेंट नहीं है तो वो नहीं आएगा यहाँ पर. फिर बिल्स पेएबल भी नहीं आएगा क्योंकि उसमें भी अमाउंट नहीं दिया है. और क्रेडिटर आएगा 52,500, लेकिन क्रेडिटर लायबिलिटी साइड में जाएगा. सो क्रेडिटर्स इसमें से अगर 52,500 माइनस करेंगे तो 88,500 आएगा. सो 88,500 जो है इट इज़ आवर कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. ओके, सो कैपिटल इसमें से 18 और 69, इन दोनों का अगर हम माइनस किए तो 1,39,500 मिलेगा और ये हमारा कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर. ओके, और ये दो अमाउंट हमें मिल गया तो हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अभी प्रिपेयर कर सकते हैं. वो कहते हैं ये सब खत्म हो जाएंगे. ओके, चलो वो अभी प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट. ओके, ठीक है स्टूडेंट, अभी हम यहाँ पर ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंटर्ड 31 मार्च 2013 के बारे में देखेंगे. ओके, तो इसमें स्टार्टिंग में आना चाहिए कि कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर. एंड ऑफ द ईयर का कैपिटल तो ये है 1,39,500. Add drawings. Mr. Govind transferred ₹300 per month during the first half year and ₹200 each month for the remaining period. सुनो स्टूडेंट, एक साल में फर्स्ट हाफ ईयर बोलेंगे तो पहला 6 महीना हो गया. फिर नेक्स्ट रिमेनिंग पीरियड बोलेंगे तो नेक्स्ट 6 मंथ हो गया. तो फर्स्ट 6 मंथ हर महीने ₹300 ट्रांसफर हुआ एंड इन द नेक्स्ट 6 मंथ हर महीने ₹200 ट्रांसफर हुआ. यानी कि यहाँ पर फर्स्ट 6 मंथ के लिए तो इसके अलावा यहाँ पर गुड्स भी विथड्रॉन किए उन्होंने. ही आल्सो टुक गुड्स फॉर 700 फॉर प्राइवेट यूज, यानी कि पर्सनल यूज के लिए गुड्स भी निकाले हैं. ₹3,700 मिलेगा. एक्चुअली आना चाहिए कि एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड. ओके, तो यहाँ पर सेकंड एडजस्टमेंट में दिया है कि मिस्टर गोविंद सोल्ड इज पर्सनल असेट फॉर ₹7,000 एंड ब्रॉट द प्रोसीड्स मतलब पैसा मनी इनटू इस बिजनेस. वो अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी सोल्ड करके जो पैसा मिला था वो बिजनेस में ला दिया. यानी कि ये बाहर से पैसा अंदर आ रहा है, ये तो फिर कैपिटल हो गया. तो फिर इसमें से हम कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर माइनस करेंगे जो हमें अभी इसके पहले ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के पहले इधर में जो स्टार्टिंग में किया था उधर कितना 88,500 करके मिला था. ओके, वो अभी हम माइनस करेंगे. सो लेस कैपिटल हमारा प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स प्रॉफिट. अभी यहाँ पर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस दिए हैं, वो भी डिप्रिसिएशन दिए हैं और आरडीडी दिए हैं. यानी कि दो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है तो लेस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. और फर्नीचर का अमाउंट यहाँ पर करंट ईयर में दिया है कि 15,000. प्रोवाइड आरडीडी एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर, यानी कि डेटर में 5%. एक्चुअली डेटर 90,000 है तो 4,500 आएगा. ये दोनों को ऐड किए तो 6,000 हुआ. फिर ये 6,000 को भी माइनस किए तो 41,700 आएगा. दैट इज अवर फाइनल आंसर 41,700 एंड इट इज अवर नेट प्रॉफिट.
यानी कि प्रॉफिट ऑफ द ईयर, तो प्रॉफिट ऑफ द ईयर कितना 41,700। ओके, यही हमें फाइंड आउट करने का था, मिल गया स्टूडेंट, एंड इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।